नमस्कार दोस्तों, ये यूनिट 3 का थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइप लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग सेकंड टाइप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक और नाम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। इसका कंसेप्ट F.W. टेलर ने दिया था। F.W. टेलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, क्यों? बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू वर्क एट मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली होता क्या था, जो टॉप लेवल होता था, टॉप लेवल वही मेनली डिसाइड करता था कि बाकी लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया बाकी लोगों को फॉलो करना है। बीच में मिडिल लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट लेवल पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता था जो कि कुछ भी डिसीजन ले सके या कुछ डिसाइड कर सके। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए F.W. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया। यहां क्या होता है कि हर एक ग्रुप जो होता है, इच ग्रुप इज परफॉर्मिंग ए स्पेशल टास्क। एग्जाम्पल मिलिंग डिपार्टमेंट। मैकेनिकल इंडस्ट्री में अगर जाओगे, वहां पे एक होता है मिलिंग डिपार्टमेंट। मिलिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे, वो सारे के सारे सिर्फ मिलिंग का ही काम करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आएगा उस पर सिर्फ वो मिलिंग ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा वो कोई दूसरा ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग हो गया या कोई भी ग्राइंडिंग हो गया, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि वो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। यही चीज यहां लिखा लिखा गया है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे एक ही डिपार्टमेंट में काम करते करते वो उस चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं। फंक्शन इज द सेम सो दैट द पीपल आर स्पेशलाइज इन दैट, जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, याद कीजिए, हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन को वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसा क्यों, ये देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, और इसके नीचे इतने सारे लोग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरीज, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस, इंस्पेक्टर। सपोज कीजिए एक को हम लोग लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस। इस डिपार्टमेंट का आदमी जो होगा, इसका जो बंदा होगा, वो सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस ही करेगा सारे मशीन का। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा, जितने भी मशीन खराब होंगे सबका वो रिपेयर और मेंटेनेंस करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और ये अपने लेवल पे भी डिसीजन ले सकता है। मतलब यहाँ जितने डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सभी डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अगर ये कुछ डिसाइड करता है, ये सारे से डिस्कस करेगा यहाँ पे, तब हमारा डिसीजन होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और ये सारे क्या एक लेवल पे है। देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे सभी एक लेवल पे है, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और इस सबके नीचे कौन आते हैं, वर्कर आते हैं। अब आता है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा है, एक्सपर्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जो भी डिसीजन होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय भी होता है यहाँ पे। इट प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्कर्स थ्रू एक्सपर्ट। अगर आगे हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसमें डिसिप्लिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि हमारे पास लाइन ऑर्गेनाइजेशन में मिलता था। हर कोई आदमी अपने आप को मालिक ही समझने लगता है, अपने आप को बॉस समझने लगता है, सब कोई सोचता है कि सारा डिसीजन हम ही ले लें, इसलिए डिसिप्लिन यहाँ ज्यादा नहीं होता है और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है आपस में कि वो क्या डिसाइड किया, उसने क्या डिसीजन लिया, आपस में सब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है, तो कन्फ्यूजन एमंग स्टाफ, डिसीजन यहाँ पे स्लो होता है। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, इसी कारण ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कॉस्टली होता है। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफिकल्ट टू फिक्स।
यहाँ बहुत सारे डिसीजन लेने वाले होते हैं, सब कोई डिसाइड करते रहते हैं, तो समझ में नहीं आता किसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू लाइन ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन इसका। हम लोग मीडियम साइज जो इंडस्ट्रीज होते हैं जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, डेयरी प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ये क्या होता है? वर्टिकल टाइप होता है, ये होता है आपका हॉरिजेंटल टाइप। ये बहुत ही पुराना वर्जन है, आप लोगों को बताया था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुराना टाइप ऑफ, बहुत ही ओल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये लेटेस्ट है, डेवलप्ड वर्जन है, ये बहुत ही सिंपल होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट लोगों की बहुत कमी होती है, इसमें एक्सपर्ट लोगों की भरमार होती है। ये स्केलर ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।